सत श्रीकाल जी सारिया सिद्धू दे चाहण वालों एक अपील कर लगा जिमें कि तुम सारे जानते हो। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इन सभी मैटर पर बहुत सी चीज़ें बोली हैं जो कि इस समय आप सभी को पता है कि एक खबर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है जहाँ पर खबर ये आ चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की मदर मतलब कि उनकी मदर जो कि चरण कौर है वो प्रेग्नेंट है और शायद नेक्स्ट मंथ बेबी होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर ये सभी मैटर आप सभी जानते हैं कि उनकी मदर प्रेग्नेंट है। और आप सभी को बता दें कि इस खबर के आने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेट भी उन्हें दिया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें बोली जा रही हैं जहां पर आप सभी को बता दें कि जो लोगों ने शब्द कहे हैं उसे सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा भी हो सकते हैं। जहां पर कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि अगर सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते तो वो चुल्लू भर पानी पर डूब जाते। जहां पर आप सभी को बता दें कि उस बीच आप सभी को बता दें उनके पिता ने जो बात कही उसे सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता आप सभी को बता दें कि इस खबर पर काफ़ी सारी बातें बोलते हुए नजर आए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाती तो आप क्या करते। मैंने अपने जवान बेटे को खोया है और इस दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। आप सिर्फ हेट देना जानते हैं और मजाक उड़ाना ही जानते हैं। जिन लोगों ने ये बातें कही हैं कि सिद्धू अगर जिंदा होता तो वो चुल्लू भर पानी में डूब जाता, तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो जिंदा होता तो मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और साथ उन्होंने कहा कि अभी मेरी काफ़ी उम्र है और मेरा मतलब कि मैंने अपना बेटा खोया है और एक बाप और माँ को सिर्फ सहारा उसका लड़का दे सकता है। आप सब लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आप सब लोग मजाक ही उड़ा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आप सभी को बता दें कि उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बोली हैं। फिलहाल आप सभी उनके इस पूरे रिएक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं एंड साथ ही आप सभी सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते हैं कि नहीं, हमें कमेंट से समझ जरूर लिखे। साथ ही वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक करें एंड इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।